हमेशा अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आदर्श नगर में आप एमएलए पवन शर्मा के घर में हैंडपंप लगाना शुरू किया, पुलिस मौके पर पहुंची। दरअसल दिल्ली में यदि कोई हैंडपंप या समरसेबिल लगाता है तो दिल्ली सरकार उसे सील करती है, क्योंकि वह एनजीटी के नियमों का उल्लंघन है। साथ ही दिल्ली सरकार फ्री पानी के भी बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन दिल्ली में दिल्ली सरकार की पानी की व्यवस्था पर सवाल खड़ा उस वक्त हो जाते हैं जब खुद दिल्ली सरकार एक विधायक अपने घर पर पानी की पूर्ति के लिए जमीन में बोरिंग करके हैंडपंप लगाते हैं। जो हैंडपंप दूसरों के लिए गैर कानूनी है, वह खुद सरकार के प्रतिनिधि लगाते हुए मिले तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और अब पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अस्थायी निगम पार्षद ने भी इस सब को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। सर, आदर्श नगर विधानसभा में पवन शर्मा के घर के नीचे बोरवेल हो रहा था, मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा। जो आम आदमी के पार्टी है और आम जनता के लिए कहते हैं कि बिजली फ्री पानी फ्री, जब पानी फ्री है तो समरसेबल लगवा रहे हैं पवन शर्मा, तो क्या करना है? ये आप मुझे बता रहे हो कि भाई इस तरह से वो जो बोरवेल करा रहे थे तो विधायक जी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि हैं, तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि मैं ये पानी बहुत दे रहा हूँ, पूरी मात्रा में पानी है, वो फ्री है, तो ये अगर उन्हें किस लिए जो ये बोरवेल की जो ये ज़रूरत पड़ गई कि भाई उन्हें ये बोरवेल जो ये कराना पड़ गया, अगर ये पानी ये भरपूर मात्रा में आता है तो फिर जो किस लिए उन्हें बोरवेल जो ये कराने की जो ये ज़रूरत पड़ गई? जब जनता के समस्या के लिए जनता बात करती है पानी के लिए तो कहते हैं कि पानी पूरा आता है, ये पानी पूरा आता है तो समरसेबल लगाने के क्या वजह पड़ गई? यही तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो आप पूछ रहे हो वही मैं जो ये पूछ रहा हूँ कि भाई इस तरह से जब पानी आता है, पानी फ्री है, केजरीवाल जी ये दे रहे हैं विज्ञापन 1000 करोड़ का, जो विज्ञापन का जो बजट है एक साल का, तो वो जब हर चीज़ फ्री है तो फिर कैसे जो ये बोरवेल की जो ज़रूरत पड़ेगी? उनका सिर्फ ये विज्ञापन करना उनका काम है, कोई ये पानी के लिए कोई प्लांट नहीं लगाया जितने उनका जो ये कार्यकाल जो रहा जो मुख्यमंत्री का, और कोई भी उसने दिल्ली जल बोर्ड जो आज 1000 करोड़ रुपए के जो कर्जे में डूबा हुआ है कोई काम नहीं मतलब जो कर रहा, तो ये सब उनका जो विज्ञापन पे सिर्फ आम जनता को जो बरगलाना है कि भाई हम ये पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, हैं बिजली की सिक्योरिटी इतनी जो ये बढ़ा दी और सब इतने मतलब उन्होंने एक्सेस जो है ये खर्चे हैं, तो सिर्फ आम जनता को कोई भी ये बोरिंग जो ये करता है ये उसे आके जो रोक लेते हैं। लेकिन आप बता रहे हो जो विधायक जी जो कर रहे थे तो ये दिल्ली सरकार की कहाँ एनजीटी, ये पार्कों के भी जो है हमारे जो बोरिंग जो कटवा दिए, जो पार्कों में जो पानी जो ये जाता था दिल्ली सरकार ने वो भी मतलब जो ये कटवा दिए, तो ये इस तरह से कोई मतलब पिक एंड चूस वाला जो है ये मामला नहीं। आम जनता के लिए नियम और हो और एक वीआईपी के लिए अलग नियम हो ये